राजधानी में वाहन चोरी की वारदातें थमती नजर नहीं आ रही। आम जन की गाड़ियों के अलावा अब शातिर वाहन चोर अधिकारियों की सरकारी गाड़ियों को भी निशाना बनाने में लगे हैं। ऐसी ही एक वारदात बुधवार सुबह सहकार मार्ग स्थित लाल कोठी सब्जी मंडी में हुई। वारदात का पता चलने पर पुलिस महकमे में हलचल मच गई। आनन फानन में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। जिले के प्रमुख रास्तों पर नाकेबंदी करवाई गई। अब बजाज नगर थाना पुलिस होटल और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर बदमाशों को पकड़ने में जुट गई है। पुलिस के अनुसार चोरी हुई सरकारी टवेरा गाड़ी एसीबी में डिप्टी डायरेक्टर रेवेन्यू डीडीआर के पद पर पदस्थापित पुलिस अफसर की है। उनका ड्राइवर कांस्टेबल विद्याधर बुधवार सुबह करीब 8 बजे टवेरा लेकर सहकार मार्ग पर लाल कोठी सब्जी मंडी में खरीदारी करने गया था। कांस्टेबल विद्याधर ने लक्ष्मी मंदिर सिनेमा के पीछे होटल इंडियाना प्राइड के बाहर पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी, फिर मंडी में खरीदारी करने चला गया। विद्याधर नगर के मुताबिक वह कुछ मिनटों बाद आया, तब टवेरा गाड़ी नजर नहीं आई। इससे उसके हाथ पैर फूल गए। उसने आसपास मौजूद 2-3 लोगों से टवेरा के बारे में पूछा, तब उन्होंने किसी व्यक्ति द्वारा टवेरा लेकर जाने की बात कही। माजरा समझ आने पर कांस्टेबल विद्याधर ने अपने अफसर और फिर पुलिस को सूचना दी। तब एडिशनल डीएसपी हनुमान प्रसाद मीणा समेत बजाज नगर व ज्योति नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज में एक शख्स टवेरा चलाते हुए नजर आ रहा है। वारदात में 2 बदमाशों के शामिल होने की जानकारी सामने आई है, जो सहकार मार्ग से होकर भाग निकले। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। गौरतलब है कि पिछले दिनों हाईटेक शातिर चोर टोंक रोड पर सेंट्रल पार्क के सामने से आईबी के आईजी की सरकारी गाड़ी चुरा कर ले गए थे। बताया जा रहा है कि आईजी का ड्राइवर गाड़ी को रोड किनारे खड़ी कर टॉयलेट करने गया था। वह कुछ मिनट बाद वापस आया, तब गाड़ी गायब मिली। इसके बाद मोती डोंगरी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, लेकिन अभी तक चोर पकड़ में नहीं आए हैं, न ही सरकारी गाड़ी का पता चल पाया।